हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बैकलिंक बनाना सिखाएंगे, वो भी अपने वेबसाइट के रिलेवेंट वेबसाइट से। ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत बार सुनी होंगी, बहुत से बड़े यूट्यूबर या फिर बहुत से बड़े बड़े ब्लॉगर से इस बात सुनी होगी कि आप बैकलिंक बनाइए, लेकिन अपने रिलेवेंट वेबसाइट से बनाइए। मतलब जो निश आपकी वेबसाइट का है, उसी निश से रिलेटेड आप बैकलिंक बनाइए, तभी वो काम करती है। तो आज हम आपको इसी तरह की वेब बैकलिंक बनाना सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरा एक आर्टिकल है जो अभी हमने करीब एक हफ्ते पहले लिखा था, एंकर एड्स क्या है। और एंकर एड्स का जो हमारा आर्टिकल है, हमने एक हफ्ते पहले पोस्ट किया था, और जो कि अभी इस वक्त 5वें नंबर, या आप देख सकते हैं ज्ञानेश.इन, इसके ऊपर 5वें नंबर पे रैंक कर रहा है। और हमें इसको फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आना है, जो कि ये एक मेरे फ्रेंड की वेबसाइट है importantgyan.com, और इसने मुझसे पहले आर्टिकल लिखा था, इसलिए इसका आर्टिकल ये टॉप पे रैंक कर रहा है। अब हम जानेंगे कि अपने रिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक कैसे बनाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ, आपने रिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक बनाई, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आखिर बैकलिंक बनाए कैसे। लेकिन यहाँ पे आपको हम ये बताएंगे कि आखिर स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, स्टेप क्या होता है बैकलिंक बनाने का। तो जैसे हमने ये आर्टिकल जो जैसे तो अगर आपको जैसे बैकलिंक बनानी है किसी अपने एक कीवर्ड के ऊपर, तो आपको उस कीवर्ड को आपको गूगल में सर्च करना है। गूगल में सर्च करने के बाद आपके सामने जितनी भी वेबसाइट, तीन चार पांच ऊपर की टॉप की जितनी भी तीन चार पांच वेबसाइट से आ रही हैं, उनको देख लेना है, ठीक है। उनको देखना है, देखने के बाद उनको ओपन करना है, ओपन करना है उसी कीवर्ड को। ओपन करने के बाद अब इनका कॉन्टेक्ट फॉर्म देखना है। कॉन्टेक्ट फॉर्म देखने का मतलब यह है कि हम इनसे कॉन्टेक्ट कर सकें, कि मतलब क्या ये हमें बैकलिंक देंगे या नहीं देंगे। इसलिए अगर इनके में तो वैसे बैकलिंक का, कॉन्टेक्ट का तो कोई इसमें वो है नहीं, तो चलिए दूसरी वेबसाइट देखते हैं हम। एक वेबसाइट पे ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। दूसरी वेबसाइट ये है newszone.in। newszone.in, अब इस वेबसाइट का हम कॉन्टेक्ट डिटेल निकालेंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल या तो ऊपर होती है या तो सबसे नीचे होती है। ये तो पोस्ट मतलब कमेंट का सेक्शन है, इसे हम नहीं कर देते। इनके में भी कॉन्टेक्ट का कोई डिटेल नहीं है, तो हम इनकी आप दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, सॉरी तीसरी वेबसाइट पे। ये देखिए नीचे की तरफ इनका कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म है, ये एक पेज है, हम इस पर क्लिक करेंगे। कॉन्टेक्ट अस, एड्स आ रही हैं, एड्स को ब्लॉक बंद करेंगे। एड्स को बंद करने के बाद हम यहाँ पे अपना फुल नाम, फुल नेम डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट हमें ये नहीं डालना है कि हमें बैकलिंक चाहिए या फिर ऐसा कुछ। हम यहाँ पे कुछ ऐसा डालेंगे, बिजनेस से रिलेटेड कुछ डाल सकते हैं, या फिर इनका कीवर्ड ही इसी कीवर्ड के ऊपर डाल देते हैं, एंकर एड्स क्या है, ठीक। अब ये मैसेज, यहाँ पे मैसेज में क्या लिखना है, मैसेज में बहुत सी जरूरी चीज़ें, मतलब बहुत ही ध्यान से लिखना है। इसके लिए हमने एक कुछ लिखा है, आप ये देख सकते हैं। हाँ जी,
इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद बस अब हमने ये यहाँ पे लिखा है कि मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा है जिसका नाम एंकर एड्स क्या है, और आपने उस आर्टिकल में बहुत ही अच्छी तरह से बात समझाई है, और मुझे आपका यह आर्टिकल पढ़कर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला है, और इसी तरह से प्रेरित और इसी से प्रेरित होकर मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है जो कि इस वक्त गूगल के 5वें नंबर पर रैंक कर रहा है। मेरी आपसे विनती है कि क्या आप मुझे अपने इस आर्टिकल से एक डू फॉलो बैकलिंक देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, और अगर आप यह बैकलिंक नहीं भी देते हैं तो भी मैं आपका आर्टिकल हमेशा पढ़ता रहूँगा, क्योंकि मुझे आपकी वेबसाइट से बहुत कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलता है। इस तरह से आपको लिखना है। लिखने के बाद फिर यहाँ पर सेंड कर देना है। अब ये मैसेज इनकी ईमेल आईडी पर जा चुका है, जो ईमेल आईडी इन्होंने यहाँ पे लगाई होगी। अब ये ईमेल आईडी पे चली गई, और अगर यहाँ पे इंक्वायरी ईमेल भी है, यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी ईमेल में चला जाएगा। तो इसी तरह से हमें बैकलिंक रिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक लेनी है। एक और वेबसाइट से देख लेते हैं हम लोग, ये चौथे नंबर की वेबसाइट। यहाँ पे देखते हैं कॉन्टेक्ट अस का कोई फॉर्म वगैरह दिखता है या नहीं। ये ऊपर ही है इसका कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और इसी तरह यहाँ पे भी डालना है, अपना नाम डाल दीजिए, अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, और वही मैसेज जो मैसेज हमने लिखा था वही मैसेज यहाँ पे डालकर फिर सेंड कर देना है। और ये मैसेज लिखा गया, योर मैसेज हैज बीन सेंड। अब इन्होंने अब हमने जो भी हम मैसेज लिखते हैं उसी पे डिपेंड करता है कि हमें यहाँ से बैकलिंक मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप अच्छी तरीके से मैसेज लिखेंगे, हम ये नहीं कहते कि मेरा लिखा हुआ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप तो अच्छी तरह से लिखते हैं तो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये जो आर्टिकल है, ये जो हमने थोड़ा सा पोस्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और आप चाहें तो यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट यही सेम टू सेम डाल सकते हैं। अगर आपको कोई और कीवर्ड के ऊपर अगर बैकलिंक चाहिए तो यहाँ से आप केवल कीवर्ड चेंज करिए और सारे सब कुछ यहीं से यही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक कैसे बनाते हैं। अब अगर इनका जवाब आता है तो हम अपना एंकर टेक्स्ट या अपना लिंक दे देंगे इनको, और ये वहाँ से हमें बैकलिंक दे देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी सुझाव हो मेरे लिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी शुरुआत है मेरा, और अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है